और अमेरिका के इस खुलासे के बाद रशिया और यूक्रेन युद्ध क्या संकेत देते हैं, ये 10 बड़े संकेत सामने आ रहे हैं और वो क्या है आपको बताने जा रहा है। युद्ध अभी लंबा चलेगा और पहला संकेत क्या है, पुतिन ने कमांडर बदला यानी स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है। संकेत नंबर दो, जेलेंस्की ने कहा कि हम लंबे संघर्ष को तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि जेलेंस्की भी हथियार डालने को बिल्कुल तैयार नहीं है। संकेत नंबर तीन, पश्चिमी प्रतिबंधों पर रूस का जवाब है। संकेत नंबर चार, चेचन कमांडर का दावा है कि कीव पर कब्जा करेंगे, यानी जो अभी मारियोपोल तक सीमित सीमाएं हैं उसको बढ़ाया जाएगा और राजधानी कीव की तरफ चेचन लड़ाके अग्रसर हो सकते हैं। संकेत नंबर पांच, मारियोपोल क्रीमिया लैंड कॉरिडोर का प्लान बनाया जा रहा है। संकेत नंबर छह, डोनबास समेत पूर्वी यूरोप पूर्वी यूक्रेन में हमले और भी तेज होने की संभावना है। संकेत नंबर सात, पुतिन जेलेंस्की की बातचीत अब मुश्किल दौर में पहुंच चुकी है क्योंकि इस बातचीत की संभावना अब खत्म होती नजर आ रही है। संकेत नंबर आठ, फ्रांस तुर्की जैसे देशों की कोशिशें इस बीच नाकाम साबित हो रही हैं। संकेत नंबर नौ, कीव से रूसी सेना की वापसी से यूक्रेन का जोश हाई है। और संकेत नंबर दस, जॉनसन का कीव दौरा और यूक्रेन को खुला समर्थन, कहीं ना कहीं यूक्रेन का जोश बढ़ा रहा है और यूक्रेन इस युद्ध में कहीं से भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।